मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिलकर वेतनमान एवं ग्रेड पे पूर्ववत रखने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि शासन द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को जारी पत्र में यह आदेश किया गया है कि वेतनमान एवं ग्रेड पे 2012 के जारी आदेशानुसार पे नहीं किया जाए। ऐसा होने पर कर्मचारियों का वेतनमान बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हमारी मांग है कि जारी आदेश को निरस्त कर 2012 के आदेशानुसार पे किया जाए। इस संदर्भ में जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा कर मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो पूर्व में एक बैंड जारी किया गया था वो अच्छा था, वर्तमान में जो कल आदेश आया है उसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। हम लोग ब्लॉक स्तर में काम करते हैं, लेकिन जो पंचायतों में जो पे बैंड दिया गया है वो हम लोगों को भी लागू किया गया है। उस विसंगत को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। क्या आदेश आया था? आदेश विसंगतियाँ रही, विसंगतियाँ जो ब्लॉक स्तर का है उसमें सबका अच्छा है, लेकिन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों का बहुत ही कम कर दिया, जो 2600 का पे ग्रेड दिया गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो बना है वो 3200 के पे बैंड में होना चाहिए। लेवल ब्लॉक स्तर लेवल लेवल हम लोगों को 6 लेवल पे ज्ञापन किसके नाम और किससे सौंपा? मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए हैं, अभी मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को दिए हैं, और इसके बाद यदि काम नहीं होता है तो आगे हम लोग अपनी मंत्री जी से अभी चर्चा हुई, उन्होंने क्या बोला जी? मंत्री जी ने कहा है कि आपसे बैठ करके अभी हम एक घंटे बाद चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मंत्री जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करवाएंगे। क्या नाम है आपको? रघुवर शरण चतुर्वेदी, सहायक विकास खंड प्रबंधक, रायपुर कचुलिया।